बूम सो गुड मॉर्निंग यूट्यूब आई एम वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 7:05 एंड मैं रुक चुका हूँ, बाकी आज है मैथ्स का पेपर, तो देखते कैसे जाने वाला है, बाकी रेडी होता है। मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, बारिश हो सकती है, तो मैंने अम्ब्रेला रख लिया है, तो मैं आपको स्कूल से आके बताऊँगा। तो चलो स्कूल चलते हैं। सो गाइस मैं स्कूल से आ चुका हूँ एंड फिलहाल टाइम हो चुका है 6:30। अभी अभी आदि भाई का कॉल आया कि खेलने आ जाए पार्किंग में, तो चलो खेलने चलते हैं। बाकी आज था हमारा मैथ्स का पेपर जो कि बढ़िया हुआ, अब कल है जर्मन का पेपर और फिर मंडे को जीके का पेपर, तो देखते हैं दोनों कैसे जाने वाला है। मैम ने बोल दिया कि 10th को मिल जाएगा रिजल्ट, मतलब रिजल्ट नहीं मिलेगा, पेपर के मार्क्स मिलेंगे एंड पीटीएम है हमारी 20th को, तो देखते हैं वाइट लगेगी पीटीएम वाले दिन या नहीं लगेगी। तो चलो अभी रेडी होते हैं एंड फोन बैटरी हो गई ख़त्म, तो शायद मैं खेलते वक्त रिकॉर्डिंग ना पाऊँ बाकी देखते हैं क्या। तो गाइस मैं खेल के आ चुका हूँ, फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ जर्मन। आप बताना कि आपको इसमें से कुछ भी समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है ये भी बताना एंड इसका मतलब क्या है ये भी बताना। बाकी ये चैप्टर आ रहा है मैंने स्कूल जाकर, इसका मतलब है माय स्कूल थिंग्स एंड एक और चैप्टर है, दूसरा चैप्टर आ रहा है बस गेट एस फ्रेंजेन, मतलब व्हाट कम्स ऑन द टीवी एंड ये जर्मनी में आते होंगे आई डोंट नो। बाकी ये है, ये सारे पेजेस हैं, पीछे है वर्कशीट एंड ये है ईमेल राइटिंग, बाकी ये सब होता है जर्मन लैंग्वेज में। तो अगर आपने भी जर्मन लैंग्वेज ले रखी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको जर्मन लैंग्वेज कैसी है। अपना खाना आ चुका है तो इस खाने को फटाफट से खाते हैं एंड जर्मन की प्रिपरेशन हो गई, देखते हैं पेपर कैसे जाने वाला है, तो अभी बैग पैक करना शुरू करेंगे एंड फटाफट से खाने को खाते हैं। चलो भाई खाना वाना खा लिए, बैग पैक कर लिए, बाकी अपना टाइम हो रहा है 10:30। बाकी कल है मेरा जर्मन का पेपर, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा जर्मनी के बारे में बता दूँ एंड थोड़ा जर्मन लैंग्वेज के बारे में बता दूँ। तो कुछ बेसिक वर्ड्स बताने वाला हूँ मैं आपको, जिससे हम हेलो बोलते हैं वो बोलते हैं हालो, ओके हम बोलते हैं हाउ आर यू वो बोलते हैं वी गेट इज दियर, तो जो हम बोलते हैं आई एम फाइन तो उसे जर्मनी में कहते हैं मी गेट इज गुड। उसके बाद आई एम आर एफ हसीन, जैसे मेरा नाम आर एफ हसीन है तो मैं बोलूँगा इश बिन आरफ हसीन, ओके। तो ऐसे कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं मैंने आपको बता दिए, बाकी अभी एडिटिंग करनी शुरू करेंगे, नींद आ रही है और एडिटिंग तो करनी है। तो मैं इस फिलहाल में करने बैठ गया हूँ एडिटिंग एंड अब मैं गाने सुन रहा हूँ फॉर नो रीज़न। तो चलो भाई एडिटिंग कंप्लीट करते हैं, बाकी कल है सैटरडे एंड कल भी स्कूल क्योंकि कल है पेपर। बाकी ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है पढ़ा, एकदम ऐसे रियल लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है एंड इसी बात पर मैं करता हूँ ब्लॉग को एंड आई डोंट नो रीज़न बट स्टिल आई वॉन्ट टू एंड दिस ब्लॉग राइट नाउ एंड सॉरी थोड़ा बोरिंग ब्लॉग था क्योंकि आज भी ज़्यादा करा नहीं एंड फोन में बैटरी भी नहीं थी जब मैं खेलने गया था। तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप यू एंजॉयड द ब्लॉग, इफ़ यू डू मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाकी सभी लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रॉल्स रॉयस,